हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। फाइनली कल होने वाला है हमारा WWE है इन द सेल 2022 होने वाला है कल। ठीक है गाइस, आपकी कितनी मतलब आप कितना एक्साइटेड हो कल के WWE है इन द सेल के लिए 2022 के लिए। हम लोग आज द फेंड ब्रे वाइड के ऊपर के लिए ऐसी तीन चीज़ें बात करने वाले। ठीक है, कल तीन चीज़ें ऐसी मतलब जो द फेंड ब्रे वाइड के लिए हो सकती है, जिसमें कल द फेंड ब्रे वाइड अपना रिटर्न कर सकते हैं, या वायर्ड कह सकते हैं, या द फेंड कह सकते हैं। ठीक है, बाकी चलो अभी भी डायलॉग है वो ही अपना। चलो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो तो। ठीक है गाइस, प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। जो हमें फर्स्ट मैच लग रहा है वो नए जो लग रहा है, ठीक है गाइस, जिसमें आ भी सकते हैं बुलेट क्लब वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। ठीक है गाइस, बुलेट क्लब बनाम जजमेंट डे। ठीक है गाइस, तो अभी ऐसी रूमर चल रही है कि जो WWE का कल है इन द सेल 2022 होने वाला है, उसमें जो हमारे द फेंड ब्रे वायर्ड है एक के विल्डम टुंडा, ठीक है गाइस, वो कल अपना रिटर्न कर सकते हैं जजमेंट डे के अंदर। ठीक है गाइस, और वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी वो न्यू मेंबर बन सकते हैं जजमेंट डे के। ठीक है गाइस, अगर वो न्यू मेंबर बनते जजमेंट डे के हमारे द फेंड ब्रे वायर्ड, तो भाई साहब कल इतना शौक लगेगा कि पूछो ही मत। ठीक है गाइस, अभी रूमर वगैरह तो चल रही है द फेंड के लिए कि कल द फेंड आने वाले, वो भी कल कौन से मैच में आएंगे कौन से मैच में नहीं, अभी रूमर वगैरह चल रही है, वो भी जजमेंट डे के टीम के लिए। जजमेंट डे की टीम में शायद वो अपना रिटर्न करें, या डेब्यू करें, या फिर अटैक करें फिन बेलर वगैरह के ऊपर, एजे स्टाइल्स के ऊपर, किसके ऊपर भी हमारे द फिन ब्रे वाइड आके अटैक कर सकते हैं वो वाले मैच में, जजमेंट डे वर्सेस बुलेट क्लब मेंबर के जो है, मतलब जो बुलेट क्लब है ज्वाइंट है उनकी, उसमें मतलब किसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये थी फर्स्ट। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैच में रिटर्न कर सकते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फटीला मैच लगेगा, वो है बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमास वर्सेस MVP फॉर दी हैंडी कैम मैच। ठीक है गाइस, लेकिन ये मैच में इतने चांसेस तो है भी नहीं कि कल द फिंड ब्रेवाइड ये वाले मैच में आए, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस लग रहे कि ये वाले मैच में भी आ सकते, आया भी जाएगी तो अटैक करेंगे और किससे इतना किसके ऊपर। ठीक है गाइस, अगर कल मज़ा आने वाला है क्योंकि WWE है ना सेल में द फेंड ब्रे वाइल्ड अपना रिटर्न करने वाले फाइनली। ठीक है गाइस, तो कल के लिए कितना एक्साइटेड हो आप कमेंट में बताना ना भूले। ठीक है गाइस, कल बहुत मज़ा आने वाला है, WWE है इन ना सेल में। ठीक है गाइस, तो ये था सेकंड मैच का जिसमें द फेंड ब्रे वाइल्ड आ भी सकते हैं, चांसेस तो थोड़े बहुत है। जैसे द फेंड ब्रे वाइल्ड आ जाए ये वाले मैच में, बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमास वर्सेस MVP, मतलब एक ये हैंडी के मैच होने वाला है। ठीक है गाइस, और इसमें जो हमारे द फेंड ब्रे वाइड है वो आ सकते हैं, मतलब रिटर्न कर सकते हैं। अगर रिटर्न करेंगे किसको सपोर्ट करेंगे ये वाले मैच में भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, शायद ये वाले मैच में आए या नहीं आए, चांसेस तो वैसे भी थोड़े बहुत है, रूमर वगैरह भी चल रही है अभी, देखते बाकी कल के WWE है इन सेल के में क्या देखने को हमें कल देखने को मिलता है, क्या शॉकिंग थिंग होती है कल WWE है इन अ सेल 2022 में। ठीक है गाइस, कल तो इतना मज़ा आने वाला है, WWE है इन अ सेल में, आप लोग पूछो ही नहीं आप लोग। ठीक है गाइस, मेरे को तो बहुत मज़ा आने वाला है, शायद आ सकते हैं। जो थर्ड मैच की ओर चलते हैं, मतलब मैच है जिसमें हमारे द फेंड ब्रे वाइड की पक्का रिटर्न तो कन्फर्म ही समझो, वो और कौन सा नहीं है बल्कि आप लोग समझ ही गए होंगे हमारा। ठीक है गाइस, जेट रॉलेंस वर्सेस द अमेरिकन मैर नाइट मैर कोडी रोड्स के बीच में, ये पार्ट थर्ड होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस जेट रॉलेंस के बीच में। कल हमें ये मैच जो देखने को मिलेगा, शायद उधर जो हमारे द फेंड ब्रे वाइड है के विल्डम, वो अपना रिटर्न कर सकते हैं ये वाले मैच में। अभी बहुत जने का मतलब जो जो है रूमर वगैरह उनका कन्फर्म बताया जा रहा है, बहुत जनों का कन्फर्म बताया जा रहा है कि जो द फेंड ब्रे वाइड है ये वाले मैच में तो पक्का आने ही वाले, इतना तो आप लोग गारंटी समझो लो। ठीक है गाइस, 101% कल द फेंड ब्रे वाइड अपना रिटर्न कर ही लेंगे, वो भी और किस में नहीं बल्कि कल के WWE है इन अ सेल 2022 में। ठीक है गाइस, अगर कल द फेंड ब्रे वाइड की रिटर्न हो जाती है इन अ सेल के मैच में, जेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में ये रिटर्न हो जाती है, तो वो किसे सपोर्ट करेंगे मैं बताऊँ, अगर बता दो जेथ रॉलिंस को सपोर्ट करेंगे या कोडी रोड्स को सपोर्ट करेंगे ये वाले मैच में। ठीक है गाइस, देखते हैं अभी किसको सपोर्ट करते,
देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर जेथ रॉलिंस को करते तो ठीक है, कोडी रोड्स को भी करते तो भी अच्छा रहेगा, वरना दोनों के ऊपर अटैक कर देते हमारे द फिंड ब्रेवायर तो गाइस बहुत बड़ा वो हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। अगर ठीक है गाइस कोडी रोड्स के ऊपर भी अटैक कर देते, अगर जेथ रॉलिंस के ऊपर भी अटैक कर देते फिर क्या होएगा। ठीक है गाइस देखते बाकी कल के WWE है ना सेल में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस कल बहुत मज़ा आने वाला है WWE है ना सेल में, मैं तो देखना नहीं भूलूंगा, मेरे को कल पूरा देखने का। ये है ना सेल का पे पर व्यू या प्रीमियम लाइव इवेंट भी कह सकते हो, प्रीमियम लाइव इवेंट। ठीक है गाइस कल तो मज़ा ही मज़ा है WWE है ना सेल 2022 में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मेरी कमेंट में बताओ, अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो लाइक कर दो, जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।